नमस्कार, मैं हूं कुणाल वाही और आप देख रहे हैं क्रिकेट लाइव। जैसा कि आप जानते ही हैं, क्रिकेट के हमारे शो में हम एक अहम मुद्दे पर खास चर्चा करते हैं और इस बार का हमारा टॉपिक है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे में क्या हो टीम इंडिया का गेम प्लान। गेम प्लान की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमने बहुत ही प्लानिंग के साथ दो खास मेहमानों को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मैं एक एक करके दोनों का इंट्रोडक्शन कर देता हूं। वैसे ये दोनों ही किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट कॉमेंटेटर अजय मेहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत। और उन्हीं के साथ खड़े हैं मुनीश चौली, वो भी क्रिकेटर रहे हैं और अब क्रिकेट कमेंट्री करते हैं। हरदिल अजीज हैं, लोग इन्हें सुनना बहुत पसंद करते हैं। मुनीश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को शुरू करें, हमारी इस रिपोर्ट पर एक नजर डाल लीजिए, उसके बाद गर्मा गर्म चर्चा गेम प्लान पर। विराट सेना के विजय रथ को न्यूजीलैंड ने पहले एक दिवसीय मुकाबले में रोक दिया। टीम इंडिया ने जब 346 रन बनाए तो लगा कि न्यूजीलैंड टीम के लिए ये लक्ष्य मुमकिन नहीं होगा, लेकिन कीवी टीम के बल्लेबाजों ने ऐसा पलटवार किया कि भारतीय गेंदबाजों के पर खर्चे हो गए। क्या कुलदीप और क्या मोहम्मद शमी, क्या जडेजा और क्या शार्दुल ठाकुर, हर गेंदबाज ने बल्लेबाजों की कमाई जमकर लुटाई। सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया यहां से पलटवार कर सकेगी? क्या भारतीय टीम अगले दो एक दिवसीय मैच जीतकर सीरीज को अपने नाम कर सकेगी? ये मुश्किल तो है, लेकिन मुमकिन भी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले मैच में बुरी तरह से परास्त किया था, लेकिन फिर विराट कोहली की टीम ने अगले दोनों मैच में कंगारू टीम को धूल चटा दी। तो क्या हो न्यूजीलैंड को हराने के लिए टीम इंडिया का गेम प्लान? क्या केएल राहुल को पांचवें नंबर की जगह ओपनिंग पोजीशन पर भेजना चाहिए, या फिर पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल की जोड़ी पर भरोसा बनाए रखना चाहिए? क्या कुलचा यानी कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी को दोबारा बहाल करना चाहिए, या फिर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव पर ही स्पिन आक्रमण का दारोमदार हो? क्या नवदीप सैनी को प्लेइंग 11 में मौका दिया जाना चाहिए, या फिर शार्दुल ठाकुर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए? अगर कप्तान को केदार जाधव की गेंदबाजी पर भरोसा नहीं, तो मनीष पांडे को टीम में होना चाहिए, या फिर केदार जाधव अगले दोनों एक दिवसीय मैच में टीम का हिस्सा बने रहे? क्रिकेट लाइव में आज चर्चा का मुद्दा है, क्या हो टीम इंडिया का गेम प्लान? तो टीम इंडिया का गेम प्लान क्या होना चाहिए, यही चर्चा का मुद्दा है। और सबसे पहला सवाल अजय मेहरा साहब आपसे, लोकेश राहुल गेम प्लान की बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हो गए हैं। एक्सपीरियंस का कोई सानी नहीं होता, उसका कोई मतलब रिप्लेसमेंट नहीं होता, क्योंकि दोनों ओपनर जो हैं वो नए हैं। पिछले मैच उन्होंने अपना डेब्यू किया है। इस बार इस इंपॉर्टेंट मैच में लोकेश राहुल से अगर ओपनिंग कराई जाए, वो आपको बेटर आइडिया नजर आता है? या एक विकल्प जरूर है, पर मुझे लगता है, देखिए, एक आप युवा दो खिलाड़ियों को आप मौका दे रहे हैं, तो एक मौके काफी नहीं है। और कहने के लोकेश राहुल, अगर आप लॉन्गर रन देखें, जो टीम की सोच है, अगर शिखर फिट होते हैं, रोहित शर्मा वापस आते हैं, तो शायद स्थान उनका वही है पांच नंबर पे। तो कहने के आप वो भी सिनेरियो देखते हैं, क्योंकि देखिए वनडे क्रिकेट में कई बार आप कुछ प्रयोग भी करते हैं और यहाँ पे भारतीय टीम ने प्रयोग किया और केएल राहुल जैसे वो फ्लोटर नजर आए, जहां भी उनको बल्लेबाजी आप कराए, कमाल की बल्लेबाजी करें जिस शैली में वो है, क्योंकि अपने गियर बहुत जल्दी बदलते हैं, सारी एक रेंज उनके पास है शॉट्स की। तो मुझे लग रहा है कि अभी आप स्टिक करेंगे, एक हार के बाद ज्यादा फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप उनको देखें पांच नंबर पे, उनकी जो औसत है वो ज्यादा बेहतर है अगर तुलना करें एज एन ओपनर, तो उनके पास वो क्षमता है। हालांकि तीन ही उन्होंने इनिंग्स खेली है, पर कहने के उनके पास वो क्षमता नजर आती है। और फिर पांच नंबर एक आसान स्पॉट नहीं है, ये ऐसा स्पॉट रहता है, कई बार आपको दो ओवर मिलते हैं, कई बार दस ओवर मिलते हैं, कई बार ज्यादा भी ओवर मिल सकते हैं, पर कहीं ना कहीं जो इनमें क्षमता नजर आती है, अभी स्टिक करेगी भारतीय टीम। एक छोटा सा केएल राहुल के ऊपर ही रिएक्शन, की नंबर पांच पर उनको जो रोल दिया जा रहा है वो समझ में आ रहा है, मगर ये जो दो वनडे बाकी है, इसके लिए क्या उन्हें ऊपर शिफ्ट करना एक बेटर आइडिया होगा, क्योंकि वो जो दोनों ओपनर्स हैं आपके, वो अभी रिलेटिवली बहुत न्यू हैं वनडे में। एक बात बोलूं, हाँ,
ज्यादा ऊपर नीचे ना किसी प्लेयर को करना नहीं चाहिए। आप भी ऊपर टेस्ट कर लिया, अभी नीचे टेस्ट कीजिए। अब देखिए ना, ओपनर में आपके पास दो ओपनर इंजर्ड है, ओपनर आपके पास है। जब ओपनर होते हैं तो हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि भारत का मिडिल ऑर्डर जो है स्ट्रांग होना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी की जगह कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो मैच्योर्ड नॉक खेलता है। जब आप मैच्योर्ड नॉक की बात कर रहे हो तो मुझे लगता है आज की डेट में केएल राहुल से बढ़िया मैच्योर्ड माइंड के साथ कोई नहीं खेलता। वजह यह है कि जब वो बल्लेबाजी पांच नंबर पे करने आते हैं, अजय अगर आप भी इस बात से सहमत हो, कई बार वो स्पिनर के साथ अपनी पारी शुरुआत करते हैं नंबर पांच पे। जब ओपनर बन के आते हैं तो फास्ट बॉलर के साथ अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। अब केएल राहुल ऐसे प्लेयर हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं। आप पहले स्पिनर लाओ चाहे पहले फास्ट बॉलर लाओ, तो वो उसी को उसी हिसाब से अपनी बल्लेबाजी को आगे बढ़ाते हैं। फिर आपको चाहिए एक फिनिशर भी, महेंद्र सिंह धोनी की तरह। क्या हम लोगों को केएल राहुल में वो फिनिशर भी दिखता है? सबसे बड़ा आंसर है यस, कोई डाउट ही नहीं है। अब आपने जब मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्योंकि आपने विकेट कीपिंग भी करवानी है केएल राहुल से, आप ओपन भी करवाओगे वनडे में भी T20 में भी, तो आप उसकी बॉडी में भी बहुत सारा प्रेशर डाल रहे हो एकदम से, लॉट ऑफ स्ट्रेस कि वो 50 ओवर कीपिंग करके आए और एकदम से पैड पहने, एक पैड उतारे दूसरा पहने और ओपन करने। पॉइंट मुनीश ने कहा कि देखिए कई बार क्या होता है, जब पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं सब सही है, पर जब आप चेस कर रहे हैं, जब आप 50 ओवर कीपिंग करके आ रहे हैं और फिर ओपन कर रहे हैं, वो कठिन है, वो आसान नहीं है, मतलब। और ये अभी थोड़ा सा समय लगता है। अभी अभी देखिए इन्होंने करियर जो शुरू किया था, बचपन में विकेट कीपर ही थे, पर फिर बल्लेबाजी में यादव ने गौर किया, यादव ने कॉन्सेंट्रेट किया, पर एकदम आप उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में जो प्रेशर रहता है अलग रहता है, ये भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल, तो हमारे दोनों एक्सपर्ट से ही मान रहे हैं कि अभी नंबर पांच पर ही ठीक है। मुनीश, अगर मुनीश यहाँ पे मनीष पांडे की बात की जाए, केदार की बात की जाए, क्योंकि राहुल अब नीचे खेलते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक ही प्लेइंग 11 में होता है। इस मैच में अगर गेम प्लान बनाना हो तो आप केदार की जगह मनीष पांडे को रखेंगे? देखो बहुत अच्छा सवाल है ये। मेरे कोच कहते थे कि अगर आप टॉप क्लास बल्लेबाज लेकर खेल रहे हो, अगर आप 7 बल्लेबाज लेकर खेल रहे हो और 6 फेल हो जाएं तो 7वां क्या करेगा? अगर बल्लेबाजी अच्छी हो रही है तो पहले 5 ही रन बना देते हैं। हमने पिछले ओडीआई में हमने ये चीज देखी। केदार जादव को आप एज ए बैट्समैन नहीं खिला रहे हो, एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हो, और मनीष पांडे को आप ऐसे बैट्समैन खिलाते हो जो फील्डिंग में आके जो है ना, जिसे कहते हैं कि बिजली गिराते हैं, इलेक्ट्रिफाइंग फील्डिंग, वो कुछ वो अपने कैचेस पकड़ते हैं, रन रोकते हैं। तो केदार जादव को अगर आप ऐसे बैट्समैन खिला रहे हो तो उनका नंबर नहीं बनता। मनीष पांडे ऐसे बैट्समैन आते हैं और केदार जादव को एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हो तो सब लोग पूछ रहे हैं कि आप उनसे बॉल भी नहीं कराते। बिल्कुल, ये दोनों के करियर स्टैट्स हैं मेरे साथ सामने हैं। 25 मैच जो है मनीष पांडे ने यहाँ पर खेले हैं वनडे के और 450 रन बनाए हैं, जबकि केदार के नाम 72 मैचेस के अंदर 1380 रन हैं। सवाल ये है कि भाई आप इनमें से किसको गेम प्लान में उतारे इन दो बाकी बचे वनडेयर्स में, कौन फिट बैठता है सबसे ज्यादा? देखिए मनीष पांडे, जैसे मनीष भी कह रहे थे, एक बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है, मैंने इनको डोमेस्टिक में बहुत फॉलो किया है, बेहतरीन फील्डर है, सब जानते हैं। पर केदार जादव जो एक्सपीरियंस को आप लेके जा रहे हैं तो उसका क्या कारण है? देखिए युवा भी बहुत है, ऐसे ऑलराउंडर्स बहुत है, पर उनको जब आप लेके जा रहे हैं और परसिस्ट कर रहे हैं तो एक मौके के बाद क्या बाहर बिठा देंगे? पर ये थोड़ी सोच अलग नजर आ रही है विराट की, गेंदबाजी क्यों नहीं करा रहे? देखिए ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप गेंदबाजी नहीं करा रहे हैं, केवल बल्लेबाजी करा रहे हैं, तो बेटर ऑप्शन है मनीष पांडे, स्पेशलिस्ट को खिला लो और जो फॉर्म उनके साथ है बिल्कुल। पर अगर आप गेंदबाजी विकल्प एक ढूंढ रहे हैं कि अगर एक आपका प्रमुख गेंदबाज महंगा साबित होता है तो अगर एक बैकअप गेंदबाज है तो फिर केदार जादव। तो ये एक रणनीति है, एक सोच है टीम की, और कप्तान क्या चाहते हैं वो अहम है। एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कुणाल, जब आप केदार जादव को देखते हो ना, पता नहीं क्यों मुझे एक फीलिंग आती है कि मनीष पांडे भी एक अच्छे फिनिशर बन रहे हैं, क्योंकि कप्तानी कर चुके हैं अपनी स्टेट टीम की, और जब वो मिडिल ऑर्डर में खेलने आए श्रेयस के साथ तो आके वो खिला रहे थे श्रेयस को, क्योंकि श्रेयस का बल्ला चल रहा था, तो वो मैच्योर्ड माइंड उनका भी है। केदार जादव में ना एज अ फिनिशर हमें कोई नहीं दिख रहा, हम एक ऑप्शन ढूंढ लेते हैं उनको इस समय कि आप आइए थोड़े बल्लेबाजी कर लीजिए, और उनके जो शॉट्स है ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है उतना इंप्रेसिव अभी वो लग नहीं रहे, बॉडी लैंग्वेज उनकी जो है ना पता नहीं क्यों उतना पॉजिटिव नहीं लग रही, दो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। बिल्कुल वेरी गुड प्लेयर है दोनों, मगर बात यह है कि टीम क्या चाहती है, एक ऐसा खिलाड़ी जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर सके, या फिर स्पेशलिस्ट के साथ विराट कोहली जाना चाहते हैं। अभी माइंडसेट ऐसा लग रहा है कि ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो कि थोड़ी बल्लेबाजी, जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुलचा की जोड़ी की। मेरा साहब, कुलचा की जोड़ी आपको लगता है मैदान पर उतरनी चाहिए या उतरती आप देख रहे हैं, क्योंकि
टीम मैनेजमेंट का माइंडसेट कुछ और नजर आता है। देखिए वो जोड़ी जो थी ना कुलचा की, कुछ साल पहले बहुत कारगर साबित हो रही थी। अब कुलदीप यादव अगर आप देखें पिछला सीजन, अगर आईपीएल का देखें, उससे पहले भी देखें वनडे क्रिकेट 18 उनके लिए बहुत बढ़िया गया था 2018, पर उसके बाद धीरे धीरे जो लोग हैं, जो ऑपोजिशन टीम्स हैं, उनको पढ़ पा रही है। और मुझे लगता है कहना कि कुलचा की जोड़ी से बेहतर जो जोड़ी नजर आ रही है वो जडेजा और चहल की मुझे नजर आ रही है। अगर आप दो स्पिनर्स की बात करें, क्योंकि चहल के पास देखिए वो वैरायटी नजर आती है जिस गति से वो गेंदबाजी करते हैं, और कुलदीप यादव की जो फॉर्म है हाल ही में, जो कॉन्फिडेंस भी होता है ना, वो डेंट हो जाता है जब आप रन दे रहे हैं। केवल ये नहीं कि एक मैच की बात है, पर जैसे आप गेंदबाजी कर रहे हैं, जैसे ऑपोजिशन बल्लेबाज आपको पढ़ पा रहे हैं, जैसे वो आपको खेल रहे हैं, और ये जो आंकड़े हैं कुलदीप के, खासकर दो साल पहले अलग थे जब वो नए नए आए थे, मतलब जिस प्रकार उनकी वैरायटी नजर आती थी, पर अब बल्लेबाज उनको देख चुके हैं, परख चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस गेंदबाजी नजर नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है जो ऑप्शन है कप्तान का, जो बेहतर जोड़ी है, वो जडेजा और चहल की। आप जडेजा और चहल की जोड़ी के साथ जाना चाहेंगे? मुनीश, वैसे यही सवाल मेरा आपसे भी था कि आप जडेजा को तो कंटिन्यू करोगे, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, ड्रॉप करने का कोई मतलब नहीं, और टीम की सोच भी ऐसी है कि हमको ऑलराउंडर्स चाहिए जो कि दोनों डिपार्टमेंट्स में काम कर सके। जडेजा के साथ चहल बेहतर रहेंगे या कुलदीप? आपने दो डिपार्टमेंट कहा, मैं तीन डिपार्टमेंट कहूंगा जडेजा के लिए। फील्डिंग में आप भूल नहीं सकते, कब क्या कर जाए, है ना, तो एक एडवांटेज हो गया, यूटिलिटी प्लेयर हो गए वो, और ऐसा प्लेयर आप टीम में रखना चाहोगे। अब वो दिन गए जब आप कुलचा की जोड़ी को उतारोगे T20 में, मैं T20 की बात कर रहा हूं। पिछले साल जब हमने कुलचा की जोड़ी को खिलाया, क्योंकि हमारे पास 50 ओवर का वर्ल्ड कप आ रहा था, तो हमने इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप खेलना था वहां ग्राउंड बड़े थे कंपैरेटिवली, और वो 50 ओवर का फॉर्मेट भी था, वहां पे आप किसी गेम में आप रिस्क ले सकते हो कि दोनों स्पिनर आपने खिला दिए, थोड़ा टर्न मिलेगा, कहीं विकेट स्लो हो। लेकिन क्या T20 में हमने इन दोनों को लगातार बहुत ज्यादा खेलते हुए देखा? आंकड़े बताते हैं कि नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप न्यूजीलैंड में खेल रहे हो जहां ग्राउंड छोटे हैं, और वहां पर इन दोनों को एक साथ खिलाना ठीक नहीं है। आप देखते हो कि दूसरी टीम का क्रम क्या है, कितने बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उस हिसाब से कुलचा की जोड़ी में से एक खेलेगा, या यादव खेलेंगे या खेलेंगे हमारे युजवेंद्र चहल। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि हम आज इस साल क्या देख रहे हैं कि आगे चल के हमने T20 का वर्ल्ड कप खेलना है, बिल्कुल, क्या हम इन दोनों के साथ परसिस्ट कर सकते हैं? और क्योंकि टीम इंडिया ये सोच रही है, इसलिए पिछले कुछ मैचेस में भी उन्होंने इन दोनों को इकट्ठे नहीं खिलाया। अब जब हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो मुझे दोनों अटैकिंग बॉलर्स लगते हैं। अब T20 में फिर वही बात आ जाती है, हम उन चार ओवर में जो स्पेल डालेंगे, आप अटैक करने जाना चाहते हो या डिफेंड करने जाना चाहते हो? और इन सब बातों का, इफ्स एंड बट्स का जवाब एक ही है, जडेजा। और जडेजा को सपोर्ट करने के लिए इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। आपकी नजर में, मेरा साहब तो चहल बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है गेम प्लान में फिट कौन होता है इस मैच को देखते हुए? अगर आप आज के मैच की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से चहल आना चाहिए। बिल्कुल, चहल आना चाहिए। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि जडेजा के साथ अब चहल की जोड़ी जो है वो उतरनी चाहिए, करो या मरो की सिचुएशन होगी मैच के अंदर। फास्ट बॉलर्स की बात कर लेते हैं, मेरा साहब नवदीप सैनी शार्दुल की जगह, क्योंकि शार्दुल का मुझे लगता है कि कहीं ना जो T20 की जो परफॉर्मेंसेज है ना, वो वनडे में रेप्लीकेट नहीं हो पाती। जी हाँ, बिल्कुल सहमत। तो देखिए, एक गेंदबाज युवा है, एक जोश नजर आती है, एक ऊर्जा नजर आती है, और अगर नवदीप की बात करें ना, मुझे सबसे बड़ी चीज है उनके पास जो गति है और जो यॉर्कर का प्रयोग करते हैं, और डेथ ओवर्स में बहुत अहम रहता है आप कैसे गेंदबाजी करते हैं। नई गेंद से तो उनके वो क्षमता है ही है। तो मुझे अगर आप तुलना करें दोनों की, ठीक है, शार्दुल T20 में उनकी परफॉर्मेंस भी रही है, पर नवदीप सैनी जो भी मौके उनको मिले हैं, अनुभव थोड़ा कम है शार्दुल से, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे चेंज करना भारतीय टीम के लिए आज अनिवार्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं शार्दुल जैसे महंगे साबित हो रहे हैं। केवल महंगे नहीं, जिस लेंथ पे वो गेंदबाजी कर रहे हैं और जो गति का एक फर्क है, जब 135 पे आप करते हैं और 140 से ऊपर करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिलहाल वो बहुत बड़ा एक डिफरेंस रहता है। और कहीं ना कहीं नवदीप का जो गति है, पैनापन नजर आता है, और थोड़ी सी हाइट भी एक्स्ट्रा है, जिससे उछाल भी आपको ज्यादा मिलती है। ये जो चेंज जो करना है प्लेइंग 11 में, ये मानसिकता में भी बदलाव लाने की जरूरत है टीम मैनेजमेंट को खासतौर पर। ये या तो वो तय कर लें कि हमें वही गेंदबाज खिलाने जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सके, फिर आप वो रिस्क उठाइए कि जिस दिन वो नहीं चलेगा उस दिन वो आपके किसी काम का नहीं होगा, या फिर आप स्पेशलिस्ट खिला लीजिए कम से कम तीन गेंदबाज, तो या उसकी बारी नहीं आई तो भी नहीं चला। आप शार्दुल ठाकुर जाते ही वो अच्छे मारता है, लेकिन फिर आप सेफ होके खेल रहे हो, कुछ ज्यादा ही सेफ, कुछ ज्यादा ही। तो मेरे कोच ये कहते हैं कि लाइफ में जितना सेफ होने की, सिक्योर होने की कोशिश करोगे ना, उतना ही इंसान इनसिक्योर होता चले जाता है। शार्दुल, हाँ, शार्दुल ठाकुर के अंदर ना वैरायटीज बहुत हैं, तो शायद यही एक वजह है कि वो आते हैं, वो धीमी गति से गेंद डालते हैं, थोड़ा तेज डालते हैं आके, यू नो वेरिएशंस हैं, दोनों तरफ की मूवमेंट वो कर लेते हैं, शायद ये एक वजह है कि उनको हम परसिस्ट कर रहे हैं, ही इज गॉट दैट वैरायटी। नवदीप ऑन दी अदर हैंड मैं कहूंगा बहुत प्रॉमिसिंग है, तेज डालते हैं, और उनका काम यही है कि तेज डाल के मुझे एक्यूरेसी भी हासिल करनी है, अभी तक हमने वो चीज देखी है। बिल्कुल,
अगर हम ये जो डिस्कशन क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले मैच में इतना बड़ा स्कोर हमने खड़ा कर दिया 347 का, फिर भी उसे हम डिफेंड नहीं कर पाए, बिल्कुल, जब हम वो बात करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि एक दिन खराब जाता है बोलर्स का, बेल्टर था वो। भारत ने भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ कई मैचेस ऐसे जीते जहां वेस्ट इंडीज पहुंची हुई 350 पे 320 पे और हमने चेस कर दी आसानी से, विकेट बहुत बढ़िया था पिछले गेम में हैमिल्टन में, विकेट बहुत अच्छा था उस समय। आज हम कह रहे हैं कि अगर नवदीप सैनी होते विकेट टू विकेट डालते, क्योंकि वो विकेट टू विकेट डालते हैं तो बड़ा अच्छा करते। क्या यही चीज हम बुमराह और मोहम्मद शमी से पिछले गेम में दे हैड अ बैड डे एक्सपेक्ट कर सकते थे? शार्दुल ठाकुर विकेट लेने के चक्कर में जाते हैं इसलिए बहुत एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। तो कुणाल कहने का मतलब यह, हमारे पास वैरायटी बहुत है, अब तो यही है कि चूज करो और पिक करो। तो परसिस्ट करना चाहिए शार्दुल के साथ या फिर नवदीप को खिलाए मैच में? देखो अब मैं ये कहूंगा दोनों को खिलाते रहिए, चेंज करते रहिए, लेकिन आप इस सीरीज की बात कर रहे हैं, यस, छोटे ग्राउंड में अब मैं कहूंगा कि नवदीप को लेकर आइए। बिल्कुल, तो यहाँ पे भी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स राजी होते हैं, गेम प्लान जो है वो उसकी रूपरेखा बनती चली जा रही है। स्टूडियो में जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय आपने जान ली, हमारे पास एक तीसरे एक्सपर्ट भी हैं जो कि सुपर एक्सपर्ट है, 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य मदन लाल जी का क्या कहना है उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। थैंक यू सो मच कुणाल, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज है दूसरा ओडीआई इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, और पहला ओडीआई खत्म होने के बाद हमने देखा कि इंडियंस ने डिस्पाइट पुटिंग अप अ गुड स्कोर ऑफ 347 रन्स ऑन बोर्ड वी लॉस्ट द गेम। मेरे साथ आज यहाँ बातचीत करने के लिए मौजूद है मदन लाल जी, थैंक यू सो मच मदन जी हमसे बात करने के लिए, नमस्कार। क्विकली कमिंग टू द पॉइंट मदन जी, हमने देखा कि पिछले गेम के अंदर डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमने 347 रन बोर्ड पर डाले उसके बावजूद हम वो गेम हारे, आज की गेम को अगर हमें जीतना है तो गेम प्लान की हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जो हमारी टीम है इसको कमबैक करना होता है, इन्होंने पीछे भी कमबैक काफी अच्छा किया था, पर लास्ट मैच में जो गलतियां हैं वो गलतियां मैं समझता हूँ कि उनको सुधारनी चाहिए, क्योंकि बैटिंग से हम मैच नहीं हारे लास्ट वाला, लास्ट मैच हमारे बॉलिंग की वजह से जिसमें हमने 24 वाइड डाले हैं और उसके साथ साथ हमने फील्डिंग भी थी ज़्यादा अच्छी नहीं की, क्योंकि ये सब चीज़ें काउंट्स में आ जाती है, क्योंकि देखिए वनडे क्रिकेट में फील्डिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है अपनाती है, और क्या है कि एक मिडल ओवर जहाँ से 37 ओवर से लेके मेरा 30-45 ओवर तक हमने बहुत सारे रन लीक किए हैं, जसप्रीत बुमराह के साथ बाकी जो बॉलर हैं उनका भी बॉलिंग अच्छा करना बड़ा ज़रूरी है, पर हमें जो क्रेडिट है वो न्यूजीलैंड को देना चाहिए, क्योंकि देखिए उन्होंने बहुत ही बेहतरीन मैच खेला है, क्योंकि एक 5-0 डाउन फिर उसके बाद कम वापसी करना, उनका गेम प्लान हमारे से ज्यादा बेटर था। तो क्या आपको लगता है कि कुलदीप यादव और उसके साथ युजवेंद्र चहल की जो जोड़ी है उसको वापसी करनी चाहिए रादर देन वी हैव रविंद्र जडेजा एंड कुलदीप यादव? नहीं, बिल्कुल सही है कि देखिए हमें जडेजा को कैसे यूज करते हैं एज ए बैट्समैन वो देखने वाली बात है, हमने हमेशा उसको अंडर प्ले किया है और उसने उस खिलाड़ी ने हमेशा क्रिटिकल स्टेजेस पे जाके रन बनाए हैं। देखो बॉलिंग उतनी उसकी जो 3-4 पीछे मैचेस हुए हैं 5 मैच उतनी वनडे की मैं बात कर रहा हूँ 50 ओवर की बात है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही, पर एज ए ऑलराउंडर मैं समझता हूँ कि भारतीय टीम की वो एक बड़ी मजबूत कड़ी है। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि चहल को खिलाना चाहिए, क्योंकि चहल ने चारों पाँचों मैचेज जो हुए हैं 2020 के उसमें काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, पर मेरे विचार में एक जो है ना सैनी को उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि नवदीप सैनी आप कह रहे हैं नवदीप सैनी को उसको जसप्रीत बुमराह और नवदीप सैनी गेंद नया करे, मोहम्मद शमी वन चेंज पे आए तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा शुरू में अगर आपको विकेट मिलते हैं तभी आप जो है प्रेशर डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच मदन जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑन दैट नोट ही इज विशिंग द इंडियन टीम ऑल द वेरी बेस्ट आज के दूसरे ओडीआई के लिए, एंड ऑफ कोर्स बैक टू यू कुणाल इन द स्टूडियो फॉर ऑल द लाइव एक्शन ऑफ द मैच। थैंक यू साक्षी वेरी मच, और मदन लाल जी की राय भी आपने सुन ली कि उनकी नजर में गेम प्लान क्या होना चाहिए। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मगर जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की सारी हलचल। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की, क्योंकि वहां पर भी तो गेम प्लान बनते हैं। हमने सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछा था,
उसके जवाब में ट्वीट्स क्या हैं वो आपको बाद में दिखाएंगे, मगर पहले आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि हमारा सवाल क्या था जो सोशल मीडिया पर हमने पूछा, जिसके जवाब में हमको ढेर सारे ट्वीट्स मिले हैं। तो हमारा सवाल ये था कि आफ्टर ट्रेलिंग द सीरीज 0-1, इफ इंडिया वॉन्ट्स टू मेक ए कम बैक, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग शुड बी द प्लान ऑफ एक्शन ऑफ टीम इंडिया? ए, केएल राहुल शुड ओपन द इनिंग्स इंस्टेड ऑफ बैटिंग एट फिफ्थ। बी, स्पिन ट्विंस कुलदीप यादव एंड युजवेंद्र चहल शुड बी इन द प्लेइंग 11। सी, मनीष पांडे शुड प्ले इन प्लेस ऑफ केदार जाधव। या फिर डी, नवदीप सैनी शुड रिप्लेस शार्दुल ठाकुर इन द टीम। तो इस पे बहुत सारे हमारे पास रिएक्शंस आए और सोशल मीडिया एक्सपर्ट वी शशांक मेरे साथ मौजूद है। शशांक, सोशल मीडिया की क्या हलचल है वो हम तक पहुंचाइए, क्योंकि गेम प्लान तो वहां पर भी बहुत बनते हैं, हर कोई एक्सपर्ट है भाई। आपने बहुत सही बात कही कि हर किसी के अंदर एक एक्सपर्ट छुपा होता है। बिल्कुल। और जो क्वेश्चन पुट हुआ था, मैं हमारे ट्वीट करने से पहले एक बता दूं कि मेरे भी एक ओपिनियन है कि यहाँ पे कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को टीम में लाया जाए, जोड़ी बनाई। मेरी आंखें तरस गई दोनों जो इस जोड़ी को देखे हुए मैच में, और उनकी ये मैच इंपॉर्टेंट इसलिए भी इंडिया के लिए क्योंकि ये उनके लिए मस्ट विन होगा। बिल्कुल। जैसे कि आपने क्वेश्चन में दिखाया कि सीरीज 1-0 से न्यूजीलैंड लीड कर रहा है, बट क्या है ना, इंडिया इस सिचुएशन में पहले भी रहा है। वेस्ट इंडीज जब घर आई थी इंडिया के, तब सीरीज 1-0 से इंडिया पीछे था, बाउंस बैक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बाउंस बैक किया था। तो मुझे लगता है कि इसी को लेकर के कि इंडिया आज के मैच में भी कम बैक करे, और सोशल मीडिया में भी एक यही पॉजिटिव रिस्पांस था कि ये क्या सा गेम प्लान पुट अप किया जाए। तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी दिखा देना चाहिए कि क्या ओपिनियंस रहा था सोशल मीडिया में आज के इस क्वेश्चन पे। बिल्कुल, ट्वीट्स दिखा देते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरीके की हलचल आ रही है, किस तरीके के ढेरों रिएक्शंस मिला है, तो एक एक करके आप ट्वीट्स बता दीजिए सारे। वेल, अनुराग सिन्हा कहते हैं कि सैनी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि वह विकेटों पर सटीक गेंदबाजी करते हैं और साथ ही साथ यॉर्कर गेंद भी फेंकते हैं। भारत के लिए इसे करो या मरो मैच में वो कारगर साबित होंगे। सैनी एक्सप्रेस पटरी पर तेज दौड़ेगी अब। बिल्कुल, ये हमारे एक्सपर्ट्स का, जो स्टूडियो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही मानना है। सैनी एक्सप्रेस, आई मीन जिस तरह का उनका पेस गति को लेकर अच्छा प्रोस्पेक्ट बताया गया यहाँ पर आपको। सुमित कुमार मिश्रा कहते हैं कि नवदीप सैनी शुड गेट अ चांस बिकॉज ही हैज द एक्स्ट्रा पेस एंड बाउंस व्हिच विल बी मोर इफेक्टिव इन ऑकलैंड। As a fast bowler, it would be the icing on the cake game for him if he will play in the moist conditions. You know, we just hope that Navdeep Saini makes his way into the playing 11. Because in today's match, because Shardul had a little expensive, but कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे सारे ओपिनियंस, हमारे सारे ट्वीट विराट कोहली पे पड़े, और इसको मद्देनजर रखते हुए नवदीप को एक मौका दे आज के मैच में। Next. नवदीप के लेकर काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। गुप्ता कहते हैं कि बी वुड हैव बीन अ वेरी एंटाइसिंग प्रोस्पेक्ट हैड वी हैड सीन बॉलिंग ऑलराउंडर्स ऑफ द कैलिबर ऑफ पांड्या इन द स्क्वाड। हालांकि वो इंजर्ड है तो उसका अभी कुछ नहीं कर सकते। यस, सो ऑल्सो मोर देन कुलदीप्स फॉर्म, हिज कॉन्फिडेंस हैज टेकन अ हिट, सो द ओनली प्रैक्टिकल ऑप्शन इज दैट ऑफ डी, विच आई थिंक इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। और मेरे ख्याल से डी ऑप्शन भी वही था, नवदीप सैनी इन प्लेस ऑफ शार्दुल ठाकुर। बिल्कुल। सो नवदीप सैनी, आई थिंक ही इज द, बोल सकते हैं ना, ओपिनियन जनता की यही आवाज नजर आ रही है। जनता की आवाज, ये आवाज विराट कोहली कितना सुनते हैं ये देखना लायक साहब। निश्चित। मुकेश कुमार दर्जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि भारत को इसी टीम कॉम्बिनेशन के साथ खेलना चाहिए। राहुल अच्छा फिनिश कर रहे हैं, यदि राहुल को अपना ओपन करवाते हैं तो फिर फिनिशिंग में समस्या हो सकती है। और जैसे कि पिछले सेगमेंट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऊपर के प्लेयर को नीचे भेज रहे हैं, नीचे के प्लेयर को ऊपर भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे प्लेयर का परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट पड़ जाए। बिल्कुल, और ये केएल राहुल के साथ काफी हो ही चुका है। आपने हम तक पहुंचाए वी शशांक, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है, इंपॉर्टेंट मैच है टीम इंडिया को लेकर। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे और उनसे भी एक फाइनल रैपअप रिएक्शन लेंगे टीम इंडिया के गेम प्लान को लेकर। अभी एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आप सभी का दिल्ली न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हो रही है कि टीम इंडिया का गेम प्लान सीरीज के दूसरे वनडे मैच में क्या होना चाहिए। मैं क्लोजिंग कमेंट्स अपने दोनों गेस्ट से लेना चाहूंगा। मेरा साहब, सबसे पहले आपसे, हमने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करी है, आपको क्या लगता है प्रैक्टिकली इतने सारे चेंजेस तो विराट नहीं करेंगे, कौन से दो होने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है गेंदबाजी में, क्योंकि वो उसने थोड़ा प्रभाव भी छोड़ा है, असर भी डाला है पिछले मैच में। और जब देखिए, ऐसा नहीं कि ये जो चेंजेस आप कर रहे हैं ये कोई फोर्स चेंजेस है, जरूर खिलाड़ी वापस आ सकते हैं, पर स्थिति को देखते हुए, ग्राउंड कंडीशन को देखते हुए, मुझे लगता है कि दो चेंजेस लग रहा है, नवदीप सैनी और चहल का खेलना आज में लाजमी नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपसे मनीष, आपको क्या लगता है क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए? देखो, हमने सारे चेंजेस की तो बात कर ली है, जो एक्सपेक्टेड चेंजेस है ना, होना क्या चाहिए? होना, देखिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए, होने से तो सरप्राइज फैक्टर भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। और जब हम सरप्राइज फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो वैसा कुछ कर दो जो दूसरा ओपोनेंट जो है ना, जिसकी अपेक्षा ना कर रहा हो। और अब मैं कुछ कहूंगा, शायद आप थोड़ा नाराज बता दीजिए, वो सरप्राइज तो कुलचा को खिला दो आज। अच्छा, आज खिला दो और वो सरप्राइज फैक्टर डाल दो। देखो क्या है ना, दूसरे खेमे में आपको उनको सरप्राइज करना है किसी चीज को लेके। आप नवदीप सैनी की बात कर रहे हो, वो भी प्रिडिक्टेड है कि वो खेलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ चेंज कर दो। पाटा विकेट है, छोटा ग्राउंड है, सरप्राइज फैक्टर कुछ हो आज। बिल्कुल, सरप्राइज करने की बात हमारे एक एक्सपर्ट मान रहे हैं, हो भी सकता है सरप्राइज हो जाए। वैसे ईडन पार्क में स्पिनर्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, वो मैदान जो है स्पिनर्स को सूट भी करता है। चलो, अब रैप अप करने का टाइम हो गया शो को, मजा तो बहुत आ रहा था चर्चा करने में, और भी पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस कर सकते थे, मगर अभी के लिए बस इतना ही। मेरा साहब, आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन दी शो, आपके साथ बातचीत करके कुछ अलग ही मजा आता है। मगर अभी क्रिकेट लाइव में बस इतना ही, मगर आप जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद, एक ब्रेक के बाद, हम दिखाएंगे फोर्थ अंपायर, देखेंगे कि विराट का गेम प्लान आखिर क्या है।